भैया एक आरोप आप लोग के ऊपर लगा है, सीपीआईएम ऑफिस दलसिंहपाड़ा में आप लोग ने कब्जा किया है, ऐसा कुछ कल कालचीनी में ऐसा प्रेस वार्ता में बताया गया था, क्या कहना है आपको? सबसे पहले मैं जेगम मिरर को धन्यवाद देता हूँ जो आज ये दुख के घड़ी में मेरा सामने आके मेरा मन का बात सुनने के लिए जो आया और दुनिया सामने रखने के लिए आया, उसके लिए मैं जेगम मिरर को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि अभी मैं अपने आप को बेसहाय महसूस कर रहा हूँ, अकेलापन मुझे एहसास हो रहा है। क्योंकि वो ज़मीन मेरा बाप दादा का ज़मीन है, मेरा दादा का ज़मीन था वो। एक समय ऐसे था कि उस समय बम्फन सरकार में था, हम लोग भी उसी पार्टी से जुड़ा हुआ था। हम लोग को प्रलोभन दिया गया कि ज़मीन देने से नौकरी देगा तुम लोगों को, तो हम लोग भी सोचा कि नौकरी होने से भविष्य बनेगा हम लोग का, बोल के हम लोग ने वो ज़मीन दिया। लेकिन उसमें चुकती था, अगर नौकरी नहीं होता तो हम लोग को वो भाड़ा में चलाएंगे बोल के, रेंट हम लोग प्रत्येक महीना देगा बोल के। तो हम लोग भी फैमिली में सलाह करके उसे दिया और बिल्डिंग वो खुद ही बनाया, उसमें दुखी नहीं है। वो बिल्डिंग पार्टी बनाया, बोला था भाड़ा में हम लोग कट करके जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आपको भाड़ा स्टार्ट कर देगा। लेकिन देखते जा रहा है कि सालों साल बीतते जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने आज तक एक रुपया भी हम लोग को नहीं दिया भाड़ा के रूप में, ना हमें कभी नौकरी के बारे में कुछ बोला। उसे देखते देखते सरकार जब बम्फन सरकार चले गए, उसके बाद में दलसिंहपाड़ा लीडरशिप सपन चटर्जी उसे अपना राशन दुकान वहाँ खोलने चाहा, हम लोगों ने उसका विरोध किया। उसके बाद में एक दिन देख रहा है कि मदन शाह सोनार अपना दुकान वहाँ खोलने चाह रातों रात, उसका विरोध करते हुए हमने वहाँ उस ऑफिस में ताला मार दिया। क्योंकि वो ज़मीन मेरा ज़मीन है, उसमें हम अधिकार नहीं पा रहा है, गैर आदमी आके उसमें हक जताएगा ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। जब दिया था हम लोग को, जब उन लोग भाड़ा नहीं दे पा रहा है, हम लोग अपना ज़मीन हम लोग को चाहिए। हम भी जगह मिरर के माध्यम से प्रशासन से अपना हेल्प मांग रहा हूँ कि वो ज़मीन मुझे मेरा अधिकार में दिला दे उन लोगों का हाथ से निकाल के। अभी वो एक संगठन एक पार्टी है, वो मेजोरिटी पे, हम लोग तो एक परिवार है, हम लोग तो अपने आप को जान का डर लग रहा है। हो सकता है रातों रात उन लोग जनता लेके आके हम लोग पर हमला ना कर दे बोल के। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस विषय में ध्यान दे। और रहा पेपर के बाद, आप देखिएगा उस कोना से लेके इस कोना तक मेरा दादा का ज़मीन था, आप पता करके देख लीजिए। ये जितना भी कोई बसा हुआ है कि ज़मीन किससे लिया बोलने से आपको मालूम चल जाएगा, ये अब्दुल मन्नान का ज़मीन है, तो उसका वारिस हम लोग है अब। इसलिए हम चाहता है कि सरकार से कि वो ज़मीन जो सीपीएम अधिग्रहण करके रखा हुआ हम लोगों का, पर दादा का ज़मीन, वो हम लोग को वापस दिला दे बोल के। अच्छा भैया, इसमें ऐसा आरोप लग रहा था कि तृणमूल का नेता कह के आप लोग को ऐसे संबोधित, मतलब उस तरह से कहा जा रहा था कि टीएमसी द्वारा ये ऐसा हो रहा है आप लोग। देखिए दादा, ये तो मेरा फैमिली मैटर है, ये मेरा फैमिली मैटर, और वो ज़मीन को हम लोग अपना मांग रहा है। अब रहा भी तृणमूल रूलिंग गवर्नमेंट में, तो उसमें सभी को तृणमूल में सपोर्ट करता, वोट देता है, तो उसका मतलब तो ये नहीं है तृणमूल वर्सेस सीपीएम। वो सीपीएम लोग का ये नीति है, ये अभी इलेक्शन में माहौल बना रहा है, उसको तृणमूल करके उसको ज़मीन को लेने चाह रहा है, इसको मतलब माहौल को ख़राब करना चाह रहा है इसको। उन लोग का सिस्टम ही ये है, ऐसे कुछ में इसमें हम ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट मांगा तृणमूल से, ना हमको सपोर्ट कर रहा तृणमूल। हम अपना फैमिली हिसाब से उस ज़मीन में गया था, ना हम टीएमसी झंडा लेके वहाँ पर गया, कोई दिखा दे हम कि टीएमसी झंडा लेके वहाँ लगाया, हम व्यक्तिगत गया, पिताजी हम गया, मेरा चाचा है और कोई नहीं है इसमें। क्या हुआ है वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है? हाल फिलहाल में कुछ नहीं, मेरा सामान सब वहाँ सामान था, मेरा ऑफिस हाँसीमरा में ऑफिस था और गंदा पड़ा हुआ है वहाँ पर, तो हम लोग सोचा सफा करके उसको रूम ठीक करके गया था, खोला था ऑफिस जस्ट, उसके बाद में इन लोग शायद मेरा नाम लोगों नाम कंप्लेंट किया, थाना से इंक्वायरी आया था। अंदर में कुछ था? अंदर में एक गोदरेज रखा हुआ है, एक स्कूटर रखा हुआ है, और जितना भी सामान जो पहले 6 साल पहले उसका अंदर में जब झमेला हुआ था, इससे पहले जब हमने ताला मारा था, उस समय तो उस ऑफिस के अंदर में पूरा दुकान का सामान भर्ती था, टेबल था, चेयर था, जो कि उन लोग खुद ही निकाल के ले गया। अच्छा, अभी किसका सामान है? अभी कुछ नहीं, उसके अंदर में एक गोदरेज है, एक स्कूटी रखा हुआ है, आप लोग खोल के देख सकते हैं, थाना से भी आके देखिए। वो उन्हीं लोग का है, पार्टी का गोदरेज है, वो उन लोग खाली नहीं कर रहा अभी तक। हम लोग बार बार उन लोग को बोल रहा कि आपके गोदरेज ले जाए, सामान ले जाए, लेकिन उन लोग खाली नहीं कर रहा है। अच्छा, अब क्या मैसेज रखना चाहेगा प्रशासन और जो लोग इस तरह से आरोप लगाए? देख रहे हम लोग फैमिली में सलाह कर रहा है, हो सके तो हम लोग भी एक थाना में डायरी देंगे और प्रशासन से आशा रखते हैं, सरकार से भी आशा रखते हैं कि हम लोग ज़मीन जो अधिग्रहण करके जो बैठा हुआ है सीपीएम, उसे हमें वापस दिला दें। मधुसर बोल जी।
कुछ अंकल कह रहे थे मदरसा में। हाँ मत नौकरी का प्रलोभन दिया था कि हम लोग मदरसा कर देगा, ये कर देगा, मूर्ति के दिया हुआ लेटर भी था हम लोग पास में मदरसा करने से फैमिली से हम लोग दो तीन जन का नौकरी होता बोल के, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। वो सब बोल के फायदा अभी यही है कि हम लोग जमीन जो अधिग्रहण करके उन लोग बैठा है वो वापस कर दे, और हम लोग कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हम लोग और प्रशासन से यही अनुरोध करता है हम लोग। और वो चोरी का जो इंजाम उजाम लगाया वो सब सब बेबुनियाद है। वो दिन धारे हम लोग वहाँ ढुका था सामान, वो खुला ही था दरवाज़ा, सब टूटा हुआ आप जाके अभी भी देख सकता है। अगर वो पार्टी ऑफिस का होता, जनगण का ऑफिस होता, तो उस जगह में पंचायत इलेक्शन में जनगण का वोट लेके कुछ प्रचार होता, विधानसभा में कुछ होता, लेकिन आप जाके देखिए पार्टी ऑफिस का क्या कंडीशन है, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा वहाँ का, देखिए कि उन लोग कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है। मेरा नाम एमडी वासी हूँ, दलसिंह निवासी हूँ, ये मेरे पिताजी एमडी अल्ताफ मोहम्मद अल्ताफ, हम दोनों का नाम है, एफआईआर किया हुआ है उन लोग।